नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको दो बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस बुक का नाम है, उन दोनों बुक का नाम है माय फर्स्ट साइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो ये सिंपल सादे सादे वर्ड्स जो रहते हैं उसका सेंटेंस किस तरह से रहता है वो उस दोनों बुक में पार्ट वन पार्ट टू दोनों बुक में बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर समझा है। यानी मैंने यहाँ पर ये कुछ शब्द लिखे, जैसे यहाँ पर आई लाइक मैंगो, यानी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जो है अपने बच्चों को या जो बिगनर है इंग्लिश सीखने वाले उनके लिए भी ये दो बुक बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश मतलब वहाँ पर दिया गया है। क्योंकि उसकी खासियत यह है कि उसमें सेंटेंस तो सेंटेंस है ही, और उसका पिक्चर भी वहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर पिक्चर के साथ वो सेंटेंस भी रहता है, तो उसको हम अच्छी तरह से दोनों बुक खरीद कर अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसलिए आपको ये मैं सजेशन देता हूँ कि ये दो बुक खरीद कर आप सेंटेंस बनाकर सीख सकते हैं। थैंक यू। और उन दोनों बुक्स का जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों लिंक दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप वो बुक ऑनलाइन मंगवा कर आप अपने बच्चों को या खुद भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी रहेगी। फिर से एक बार बता देता हूँ, उन बुक्स का नाम जो है माय फर्स्ट साइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो इस तरह से ध्यान रखना है, उसका जो लिंक जो दिया है वो बुक आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दोनों बुक का जो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से खरीद कर वो सेंटेंस जो ये वर्ड्स जो है उसका यूज़ किस तरह से करते हैं उसका हम घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके बारे में कुछ बेसिक से जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो पहला भाग जो था, हमने देखा था कि जो पूरे टेंस जो थे उसके बारे में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन किया था, आज उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में उसके जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट सिंपल। तो इनमें से प्रेजेंट सिंपल कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट सिंपल, ये दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। एक यहाँ पर है प्रेजेंट सिंपल और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो इस पर आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पर यहाँ पर आज ध्यान लगाएंगे हम, ये हम देखेंगे ग्रामर का जो टेंस रहते हैं थोड़ी सी बेसिक से हम अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम उसको सीख सकते हैं। तो हम यह मैंने यहाँ लिखा है जनरल में, यानी जनरल और परमानेंट, कोई भी चीज़ जो होती है परमानेंट हम जब बोलने की कोशिश करते हैं वो बात बताने की कोशिश करते हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल ये जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट करता हम बोलेंगे, और यहाँ पर मैंने वर्ब लिखा है, यहाँ पर कुछ चेंजेस आए वो भी बताऊंगा, और यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है। तो पहले यहाँ पर हम ध्यान देंगे प्रेजेंट सिंपल कब यूज करते हैं, जनरल यानी वो चीज़ें कब होती है कैसी, यानी वो हमेशा जनरली होती रहती है, तो उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट हम वो बता नहीं सकते, यानी वो कभी भी होती है, परमानेंट रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखा है आई हेल्प, मैं मदद करता, मतलब वो पिछले साल भी मदद करता था, आज भी मदद करता हूँ और आगे भी मदद करूँगा, ये बात ऐसी जब बात बताने रहेंगे तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में सादा वर्तमान हम बोलेंगे तो उसमें हम बोल सकते हैं आई हेल्प, यू हेल्प, वी हेल्प, दे हेल्प। तो यहाँ पर ये सिर्फ हेल्प आया है, पर जब यहाँ पर हम देखे हैं ये ही शी इट, यहाँ पर मैंने एस ऐड कर दिया है, यानी ये बात ध्यान रखना है हमको। तो कोई भी एग्जाम रहती है यहाँ पर छोटी छोटी बातों से हमको वो बता देते हैं चेंजेस क्या होता है, तो ये हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो आई फर्स्ट पर्सन आता है, यू सेकेंड पर्सन आता है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है, और दे भी उसमें प्लूरल में आता है, तो उसको हम जो कोई भी वर्ब यूज करेंगे उसमें एस ऐड नहीं करेंगे, पर यहाँ पर
थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसको हम यहाँ पर एस एड हुआ है वर्ब में, मतलब ही हेल्प्स, शी हेल्प्स, इट हेल्प्स, यानी वो मदद करता है, वो मदद करती है, इट हेल्प्स, इट यानी कोई भी इंसान, इंसान ने हम कोई भी जानवर या मशीन जो रहता है वो हमको मदद करता है, उसके लिए हम वो यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम बोल सकते हैं यानी वो मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, मोबाइल को हम बोलेंगे इट हेल्प्स, यानी हमको बहुत सारी मदद करती है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम हेल्पिंग, तो यहाँ पर दो सेंटेंस में क्या फर्क नजर आता है, बस हमको ये याद रखना है कि ये जो है कोई भी करता रहेगा यानी सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब का जो रूट वर्ड रहेगा, जैसे यहाँ पर हेल्प आया है तो उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा, समझ जाना वो प्रेजेंट सिंपल में है। पर यहाँ पर हम एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, टेंसेस की तरह से पहचानना है। तो यहाँ पर हमने देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी वो बात चल रही है, ये टेम्पररी होती है, अभी अभी के लिए। आई एम हेल्पिंग यानी मैं मदद करता हूँ, मैं आई एम हेल्पिंग माई मदर, आई एम हेल्पिंग टू माई मदर, मैं अपनी मम्मी को मदद करता हूँ, यानी ये अभी चल रही है, ये बात टेम्पररी है, यानी वो अभी थोड़ी देर के बाद खत्म हो, मतलब वो हो जाएगी। तो ऐसी बातें जब रहती है तो वो आई एन जी से हमको पता चल जाता है, आई एन जी से, ये यहाँ पर आई एन जी एड हो गया है वर्ब में, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आ गया है, एम आ गया है, आई एम हेल्पिंग, तो हेल्प का हेल्पिंग आ गया है। तो यानी आई एन जी से हमको ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये बात अभी भी चल रही है, ये हमको ये बात पता चल जाती है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का जो है ये सिर्फ बेसिक था, उसके बाद वो किस तरह से कैसे यूज करते हैं हम आगे और देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये ग्रामर सीखना ज़्यादा ये बात नहीं, तुम वीडियो भी ध्यान से देख लेंगे फिर भी तुम ये समझ आएंगे, हाँ ये ऐसी बात है, तो बिल्कुल ये बेसिक और बहुत आसान तरीके से हम समझ लेंगे। तो हम देखने के बाद ये प्रैक्टिस भी घर पर करेंगे तो अच्छा रहेगा, यानी ये इस तरह से थोड़ी सी चेंजेस आती होगी, चेंजेस आती है कोई भी वर्ड में। तो आगे हम और देखेंगे इसके बारे में, प्रेजेंट सिंपल किस तरह से यूज करते हैं, कैसे क्या आता है, उसके बारे में और आगे हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट सिंपल जो है व्हेन टू यूज, वो प्रेजेंट सिंपल जो है कब यूज करना है। तो उसके कुछ यहाँ पर मैंने तीन लिखे हैं स्थितियां, तीन स्थितियां यहाँ पर, परमानेंट, रूटीन्स, फैक्ट्स। तो हम कोई भी चीज परमानेंटली हम बताना चाहते हैं तो वो बात बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन नवापुर, हम नवापुर में रहते हैं। और दूसरा बात, दूसरी है ही वर्क्स एट अ स्कूल, वह एक स्कूल में काम करता है। तो वो परमानेंटली है, उसका जॉब जो है, उसका काम करने का जो तरीका है वो परमानेंटली वहां पर वो जाता है, काम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लिव, यहाँ पर एस नहीं हुआ, लिव, वी लिव इन नवापुर, यानी वो कई सालों से वहां पर रहते हैं, यानी परमानेंट अगर कोई चीज बताने का है तो वो हम प्रेजेंट सिंपल में यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक देखेंगे, यहाँ पर वी लिव, यहाँ पर ये वर्ब है, इसका यहाँ पर एस एड हुआ, पर यहाँ पर एस एड हो गया, वर्क्स यहाँ पर एस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसी कारण यहाँ पर एस एड हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं एट ये आ गया है, क्योंकि ये स्कूल के यहाँ नजदीक वो काम करने का जो दर्शाने का जो काम है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पर काम कर बताता है, वो भी इसके बारे में बाद में हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे, पर अभी यहाँ पर हमको ध्यान देना है रूटीन्स। दूसरी बात है रूटीन्स, जब कोई भी बात बताने होती है तो हम प्रेजेंट सिंपल में यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि व्हेन टू यूज प्रेजेंट सिंपल जो है कब यूज करते हैं, तो रूटीन की जो बात है वो बात बताने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई वेक अप एट 4 o'clock, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, यानी ये मेरा रूटीन है, 4 बजे उठने का जो है रूटीन है, रूटीन का जो बात पहले से ही बहुत तय रहता है वो। और दूसरा है आई गो टू स्लीप एट 9 o'clock, मैं 9 बजे सो जाता हूँ, तो ये मेरा रूटीन है दिन का, मतलब वो तय हो गई वो बात है। तो इस ये बात बताने का काम जब रहता है तो हम
प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। तीसरी बात जो है फैक्ट्स, फैक्ट्स से हमें वो बातें होती है वो मैं या आपके होने से बोलने से वो नहीं हो सकते, वो जनरली वो साइंटिफिकली वो प्रूव हो गया है, वो बताया गया है, यानी हम कोई भी उसको चेंज नहीं करते। वर्ल्ड में कहीं भी जाओ वो बात वही की वही रहेगी, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे 2+2=4, यानी 2 और 2 5 नहीं बनेंगे, वो 4 ही रहेंगे, चाहे अमेरिका हो इंग्लैंड हो कहीं भी जाओ 2 और 2 ये मैथ जब सॉल्व करेंगे यानी उसका आंसर जो 4 ही आएगा, यानी ये फैक्ट जब बताने के काम रहेंगे तो वो रहेगा। यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए था पर ये इस तरह से फैक्ट से, यहाँ पर 1 लीटर ऑफ वाटर वेट 1 kg, यानी 1 लीटर पानी का जो वेट रहता है, वजन जो रहता है वो 1 किलोग्राम भरता है, ये एक फैक्ट है, चाहे यहाँ पर गिनो कहीं पर भी गिनो ये एक फैक्ट है। तो ये ऐसी बातें जब रहती है बताने का काम प्रेजेंट सिंपल में हम और देखते हैं। इसके बाद और ऐसे स्थितियां हैं वो हम सीखेंगे, पर आज के दिन हम यहीं पर इतने रुकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंट सिंपल यूज, प्रेजेंट सिंपल जो है कब यूज करना है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।